अगर आप एंटासिड मेडिसिन्स यानी कि एसिडिटी की मेडिसिन्स लॉन्ग टाइम तक ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लॉन्ग टाइम तक एंटासिड मेडिसिन्स 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूसली ले रहे हो तो आपके बॉडी में आयरन, विटामिन B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होगा, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन, मसल पेन या फिर बॉडी पेन रह सकता है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप एंटासिड मेडिसिन्स कोई कंडीशन की वजह से कंटिन्यूसली ले रहे हो तो आपको अपने बॉडी के ब्लड टेस्ट कराते रहना है और अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स लेते रहना है। अगर आपको एंटासिड मेडिसिन्स लॉन्ग टाइम तक नहीं लेना है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपके सिम्टम्स भी रिलीफ हो गए और इवेंचुअली आपका रूट कॉज जो है वो भी ट्रीट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप एंटासिड मेडिसिन्स और आयरन टैबलेट साथ में ले रहे हो तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। एंटासिड मेडिसिन्स खाने से पहले लेना चाहिए और आयरन के टैबलेट्स जो है वो खाने के 1 घंटे के बाद देना चाहिए ताकि उसके एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू।